हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रेखा द इंडियन मॉम में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लाए हैं कुछ खास फली के ढोकले। ढोकले तो सभी बनाना जानते हैं, पर आज हम आपके लेके आए हैं फली के ढोकले। खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और बनाने में बहुत ही आसान होते हैं। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। दाल ढोकले बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कटोरी दाल भिगो दी थी। मैंने यहाँ पर मिक्स दाल ली है। आप चाहें तो कोई भी सिंगल दाल भी ले सकते हैं, उड़द की हो, मूंग की हो, चने की हो, जो आप लाइक करते हैं। मैंने यहाँ पे मिक्स दाल यूज़ में ली है। सबसे पहले हम दाल को बनने के लिए रख देते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो मैं आपको दाल ढोकली में दाल बनाना बता चुकी हूँ, पर अपन इसको बॉईल होने के लिए रख देते हैं। देखिए, मैंने कुकर में पानी ले लिया है, दाल धुली हुई है, भीगी हुई है, इसको हमने कुकर में डाल दिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और हल्दी डाल देंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर भी मैंने डाल दिया है इसमें। ढक्कन लगा देंगे और एक सीटी ले लेंगे। जब तक फ्रेंड्स कुकर में सीटी आती है, तब तक हम ढोकले तैयार कर लेते हैं। यहां मैंने 250 ग्राम ग्वार की फली धो के कट करके रखी हुई है। इसके लिए लिया है हमने एक कटोरी बारीक आटा गेहूं का और एक कटोरी मोटा गेहूं का आटा। आप चाहें तो इसमें सूजी भी यूज में ले सकते हैं। जिस तरह से हमने ढोकली के लिए आटा लगाया था, हमें उसी तरह से ढोकले के लिए आटा लगाना है। इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। मैंने नमक डाल दिया है। थोड़ी सी हींग डाल देंगे। मैंने यहाँ बारीक पिसी हुई हींग भी डाल दी है। थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे। मैंने अजवाइन डाल दी है। थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे। अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, वरना ना डालें। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर भी डाल दिया है। अब हम इसमें आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देंगे। थोड़ा सा हमने इसमें मीठा सोडा भी डाल दिया है। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जैसे हमने ढोकली का आटा लगाया था, उसी तरह से हम ढोकले के आटे को लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आटा लग के तैयार हो गया है। बिल्कुल हमने सॉफ्ट आटा लगाया है, बिल्कुल भी टाइट नहीं लगाया है। अब हम इसमें थोड़ा सा मोहन के लिए तेल डाल लेंगे, जो भी आप रिफाइंड ऑयल यूज़ में लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आटा लग के तैयार हो गया है। अब हम इसमें से इस तरह से आटा लेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा लेना है हमें, ऐसे गोल गोल करके उसको, और हमें ढोकले का शेप दे देना है। जैसा चाहें आप वैसा शेप दे सकते हैं। इसी तरह से हम सारे ढोकले तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आटे से ढोकले बना लिए हैं। आइए अब अपन ढोकले बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई गैस पे रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आटे से ढोकले तैयार कर लिए हैं। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाल दिया है। हम जिस तरह से सब्जी बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम फली छौंकेंगे। और हमें क्वांटिटी में तेल ज़्यादा लेना है। मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। हम इसको गर्म होने का वेट करते हैं। फ्रेंड्स, ऑयल गरम हो चुका है। अब हम इसमें अजवाइन डाल देंगे। देखिए, मैंने यहाँ अजवाइन डाल दी है। थोड़ी सी पिसी हुई हींग डाल दी है। अब हम फली डाल देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग सारे मसाले डाल देंगे। देखिए, मैंने इसमें नमक डाल दिया है। क्वांटिटी में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाला है। हल्दी पाउडर डाल दिया है, लाल मिर्ची पाउडर। टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें आप। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मसाले पक गए हैं।
अब हम इसमें आधा ग्लास पानी डाल देंगे। गैस के फ्लेम को हाई रखेंगे हम, इसको बॉईल होने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, पानी बॉईल हो गया है। अब हम इसमें जो हमने ढोकले बनाए हैं उनको इस तरह से रख देंगे। और इस पर एकदम परफेक्ट ढक्कन लगाएंगे ताकि इसमें से स्टीम बाहर ना निकले। गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। फ्रेंड्स, एक बार हम इसको हटा करके देखते हैं ढक्कन को। अगर आपको पानी कम लगे तो आप और डाल सकते हैं ताकि ढोकले नीचे लगे नहीं। वैसे तो हमने ऑयल इसमें इतना ज़्यादा डाला है कि हमें पानी की वापस डालने की ज़रूरत नहीं होती है। अभी हम इसको और ढक देंगे क्योंकि 15 मिनट्स हुए नहीं हैं। जब तक ढोकले तैयार होते हैं फ्रेंड्स, हम दाल तैयार कर लेते हैं। जैसे हमने दाल ढोकली में आपको दाल तैयार करना बताया था, बिल्कुल उसी तरीके से हमें दाल तैयार करनी है। आइए देखते हैं, ढोकले तैयार हो चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, फली के ढोकले एकदम रेडी हैं। अब हम इनको सर्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फली के ढोकले एकदम तैयार हैं, हमने सर्व भी कर दिए हैं। अब हम इसके ऊपर से घी डालते हैं। फ्रेंड्स, घी डाल के बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। हमने इस पे देसी घी गरम करके डाल दिया है। आप इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नींबू डाल लें, हरा धनिया पत्ती डाल देते हैं। फ्रेंड्स, हमारे फली के ढोकले की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। आप बनाइए, टेस्ट कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आज की फली ढोकले रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू।